Let us now discuss in some detail how these wholesaler and retailer operate and eliminate the hindrance of person. आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में कैसे ये होलसेलर और रिटेलर ऑपरेट करते हैं और ये लोग इलिमिनेट करते हैं जो भी एक आदमी के पास बाधा आती है कोई भी सामान खरीदने में। तो देखिए, a wholesaler trader buy good in large quantities from the manufacturer and sell in relatively smaller quantity to the retailer. एक होलसेलर जो होता है वो सामान खरीदता है बहुत ही भारी मात्रा में, जो भी मैन्युफैक्चरर है उस कंपनी का, उससे जो है भारी मात्रा में भारी क्वांटिटी में सामान ले लेता है, उसके बाद उसको छोटे छोटे कम मात्रा में रिटेलर को बेच देता है। Thus the wholesale trader constitute a link between the producer on the one hand and the retailer on the other hand. इसलिए जो होलसेल ट्रेडर है वो एक लिंक बनाता है जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उस सामान को एक हाथ से, और एक जो रिटेलर होता है दूसरे हाथ से, एक तरह से लिंक एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, रिटेलर हो बाई गुड्स फ्रॉम द होलसेलर, वो रिटेलर जो कि होलसेलर से सामान खरीदते हैं, सेल देम इन स्मॉलर क्वांटिटी टू द कंज्यूमर, वो लोग उस सामान को और कम मात्रा में जो है कंज्यूमर्स को बेचते हैं। ठीक है, दस रिटेल ट्रेडर एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन होलसेल ट्रेडर ऑन द वन हैंड एंड कंज्यूमर ऑन द अदर। इसीलिए रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो एक लिंक एस्टेब्लिश करते हैं एक होलसेल ट्रेडर को एक हाथ से और दूसरे हाथ से कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो देखिए, यह मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि मोबाइल फोन्स बनाती है। ठीक है, तो एक होलसेलर जाएगा उनके पास, कहेगा कि मुझे 10,000 यूनिट दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 10,000 यूनिट वो मोबाइल का मॉडल ले लेता है। ठीक है, उसके बाद वो जाए होलसेलर जो है खरीद लिया, उसके बाद रिटेलर को वो बेचेगा मान लीजिए 50 से 100। ठीक है, 100 पीस से 50 पीस जो है रिटेलर ही ले आएगा, रिटेलर के पास फिर कस्टमर जाएगा, तो कस्टमर नॉर्मली एक ही मोबाइल लेता है। ठीक है, तो जाएगा एक ही मोबाइल कस्टमर को लेगा, तो इस तरह से लिंक बनता है। ठीक है, Thus the wholesaler and retailer establish a link between the producer and consumer and eliminate the hindrance of person. इसलिए जो होलसेलर और रिटेलर होते हैं वो एक लिंक इस्टेब्लिश करते हैं जो भी प्रोड्यूसर होता है और जो भी कंज्यूमर होता है उसके बीच में, वो लोग इलिमिनेट कर देते हैं जो भी हिंड्रेंस ऑफ पर्सन होता है, यानी कि एक आदमी के पास जो भी बाधाएं आती है, समस्या आती है, उसको वो लोग रिमूव कर देते हैं। However, sometimes producer may take the services of only इधर होलसेलर और रिटेलर और में इस्टेब्लिश अ डायरेक्ट लिंक विद द कंज्यूमर। लेकिन कई बार ये होता है कि प्रोड्यूसर हो सकता है कि एक ही लोगों का सर्विस ले, या फिर वो होलसेलर को बेचे सामान या फिर रिटेलर को, या फिर वो ये भी कर सकता है कि डायरेक्ट लिंक कंज्यूमर के साथ इस्टेब्लिश कर लेता है। ठीक है, द होल चैन ऑफ ट्रेडर मिडलमैन ऑपरेटिंग इन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इज रिफर्ड एज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो पूरा रेंज होता है ट्रेडर और मिडलमैन का जो कि ऑपरेट करता है बिटवीन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, उसको रिफर किया जाता है, ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। अबाउट विच यू विल लर्न इन डिटेल इन यूनिट 10 एंड 11 इन दिस कोर्स, जिसके बारे में हम लोग आगे यूनिट 10 और 11 में पढ़ेंगे इस कोर्स में। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। अभी तो हमने इंटरनल ट्रेड पढ़ लिया, उसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बारी आती है एक्सटर्नल ट्रेड की। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, इसको हम लोग फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, व्हेन द ट्रेड टेक प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री यू कैन कॉल सच ट्रेड एज एक्सटर्नल ट्रेड। जब एक ट्रेड होता है एक देश के बाहर, उसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एक्सटर्नल ट्रेड रिफर टू द ट्रेड बिटवीन नेशंस। एक्सटर्नल ट्रेड को रिफर किया जाता है कि ये दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है। दिस ट्रेड कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर और फॉर मनी। ये ट्रेड हो सकता है एक्सचेंज करना, किसी के पास कोई चीज है किसी देश के पास, तो दूसरे देश के पास और कोई चीज है, तो दोनों एक्सचेंज कर लें, या फिर पैसे के बदले भी किया जाता है। वी कैन क्लासिफाई फॉरेन ट्रेड इनटू थ्री कैटेगरी, हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं फॉरेन ट्रेड को तीन भागों में, तीन कैटेगरी में। पहला है इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा है एक्सपोर्ट ट्रेड, और तीसरा है री एक्सपोर्ट ट्रेड। देखिए, इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है ये देखते हैं पहले। इम्पोर्ट ट्रेड में क्या होता है, व्हेन अ कंट्री बाय गुड फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। जब एक देश दूसरे देश से कुछ सामान खरीदता है उसको हम लोग इम्पोर्ट ट्रेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बॉट मशीनरी फ्रॉम यूएसए, भारत ने अमेरिका से कुछ मशीन खरीदे, दिस इज एन इम्पोर्ट ट्रेड फॉर इंडिया, ये एक इम्पोर्ट ट्रेड है इंडिया की तरफ से अगर हम लोग देखें तो। दूसरा है एक्सपोर्ट ट्रेड, व्हेन अ कंट्री सेल गुड टू अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। जब
एक कंट्री दूसरे कंट्री को कुछ सामान बेचती है उसको हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए इंडिया से लेदर गो टू USSR एंड T2 जैसे यहाँ पे USSR दिया है, अगर ये देश अभी रहा नहीं यहाँ पे बहुत पुराना उदाहरण दिया है तो हम लोग चलिए रशिया मान लेते हैं ठीक है इसको। तो इंडिया से लेदर गो टू रशिया एंड T2 USA, तो भारत ने बेचा लेदर का कुछ सामान रशिया को और चाय जो है अमेरिका। फॉर इंडिया सच सेलिंग ऑफ गुड सेल बी टर्म एज एक्सपोर्टेड, तो भारत के लिए ये जो गुड्स बेचा है उसको हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड कहेंगे। तीसरा है हमारे यहाँ पे री एक्सपोर्ट ट्रेड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्री पोर्ट ट्रेड, इसको हम लोग इंट्री पोर्ट ट्रेड भी कहते हैं। वेयर द गुड आर इम्पोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड द सेम आर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री, जब ये तब होता है जब एक गुड्स इम्पोर्ट किया जा रहा हो एक देश से और वही गुड्स एक्सपोर्ट किया जा रहा हो दूसरे देश को ठीक है। सच ट्रेड इज कॉल्ड री एक्सपोर्ट ट्रेड, इस तरह के ट्रेड को हम लोग री एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। री एक्सपोर्ट इज डन बाय दोज कंट्री विच हैव पोर्ट दैट आर कन्वीनियंटली सिचुएटेड टू सर्व एज डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट फॉर नेबरिंग कंट्रीज। री एक्सपोर्ट ट्रेड तभी किया जाता है जहाँ पे जो है पोर्ट्स की सुविधा हो, वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बन जाए जो बगल के पड़ोसी देश है उनके ठीक है। सच कंट्री इम्पोर्ट लार्ज क्वान्टिटी ऑफ गुड एंड री एक्सपोर्ट द सेम टू द नेबरिंग कंट्रीज, इस तरह की कंट्री जो होती है वो इम्पोर्ट करती है लार्ज क्वान्टिटी में गुड्स, उसके बाद उसको दोबारा एक्सपोर्ट कर देती है सेम चीज पड़ोसी देशों को। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है एड टू ट्रेड, तो आइए देखते हैं एड टू ट्रेड क्या होता है। एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट द ट्रेड और कॉल्ड एड टू ट्रेड, वो एक्टिविटी जो कि फैसिलिटी एक तरह से प्रोवाइड करती है ट्रेड करने में उनको हम लोग एड टू ट्रेड कहते हैं। दस ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज विच इलिमिनेट द हिंड्रेंस एंड फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर कम अंडर एड टू ट्रेड, वो सभी ह्यूमन एक्टिविटी जो कि इलिमिनेट करती है यानी कि खत्म करती है जो भी बाधाएं आती है और फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे जो है गुड्स का फ्लो बना रहे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, उनको हम लोग एड टू ट्रेड के अंदर मानते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सिलरीज टू ट्रेड, इनको हम लोग एक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं। द होल रेंज ऑफ एक्टिविटी कमिंग अंडर एड टू ट्रेड में बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी, तो पूरा होल रेंज है एक्टिविटीज का जो कि एड टू ट्रेड के अंदर आता है उनको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं 5 कैटेगरीज में यानी कि 5 भागों में। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है वेयर हाउसिंग, तीसरा है इंश्योरेंस, चौथा है एडवर्टाइजिंग और पांचवा है बैंकिंग। तो आइए एक एक करके देखते हैं ये सारे एक्टिविटीज को डिटेल में। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन आता है, जनरली ऑल द गुड आर नॉट कंज्यूम एट द सेम प्लेस, जनरली ये होता है कि जितने भी गुड्स बनते हैं जिस जगह पे वो उसी जगह पे कंज्यूम नहीं होते। वेयर दे आर प्रोड्यूस, मतलब कि वही है कि जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे कंज्यूम नहीं होते। देयरफॉर इसलिए गुड आर टू बी मूव फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस वेयर दे आर डिमांडेड, इसलिए जो गुड्स होते हैं उनको मूव किया जाता है पहुँचाया जाता है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उस जगह से जहाँ पे उसकी डिमांड है जहाँ पे उसको कंज्यूम किया जाएगा उस जगह पे ठीक है। द एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद सच मूवमेंट ऑफ गुड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि वो एक्टिविटी जिसका ये कंसर्न रहता है कि मूवमेंट करना गुड्स का यानी कि गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। दस ट्रांसपोर्टेशन इलिमिनेट द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस एंड क्रिएट प्लेस यूटिलिटी टू गुड्स, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो इलिमिनेट करता है जो भी बाधाएं आती है जगह में और क्रिएट करता है यूटिलिटी गुड्स को। ट्रांसपोर्टेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप, ट्रांसपोर्टेशन 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन जो है रोड से ले जा रहा है बसेस में ट्रक्स में जो सामान ले जाता है या फिर रेलवे के द्वारा जो सामान लिया जाता है एक जगह दूसरे जगह पहुंचाया जाता है उसको लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आता है। दूसरा है एयर ट्रांसपोर्टेशन जो कि एयरप्लेन से सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है उसको हम लोग एयर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और तीसरा है वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो बोट या शिप से सामान एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाया जाता है उसको हम लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। दूसरा हमारा इसमें कैटेगरी था वेयर हाउसिंग का, गुड्स मे नॉट बी कंज्यूम इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन, हो सकता है कि जो गुड्स बन रहे हैं उनको तुरंत ही ना कंज्यूम किया जाए, तुरंत मतलब कि ना इस्तेमाल किया जाए जैसे ही वो लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे गुड्स जो है बन रहे हैं वह जरूरी नहीं है कि उसी समय उसको कंज्यूम किया जाए। नॉर्मली देयर विल बी टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, नॉर्मली यह होता है कि टाइम गैप रहता है जब भी वो प्रोड्यूस हो रहा है और जब उसको कंज्यूम किया जा रहा है। दिस इज द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ये समय की बाधा है या फिर रुकावट है कह सकते हैं। देयरफॉर गुड्स वंस प्रोड्यूस शुड बी प्रिजर्व्ड प्रॉपरली टिल दे आर कंज्यूम, इसलिए गुड्स को जो प्रोड्यूस हो चुके हैं उनको एक अच्छे से प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए जब तक उसको कंज्यूम न किया जाए। पर्टिकुलरली
पेरिसेबल गुड्स लाइक मिल्क, पर्टिकुलरली ये होता है कि जो गुड्स होते हैं जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, वेजिटेबल या फिर फ्लावर इटीसी, शुड बी प्रिजर्व वेरी केयरफुली। इनको बहुत ही मतलब की ध्यान से रखना होता है। जैसे कि देखिए दूध वगैरह होता है एक दो दिनों से ज्यादा नहीं चलता, इसलिए आपको इसको फ्रिज में रखना चाहिए। मीट वगैरह भी एक बार कट जाता है तो उसको ज्यादा दिन नहीं चलता। सब्जियां भी खराब हो सकती है अगर ज्यादा दिन तक रखेंगे, फ्लावर भी सूख सकते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत ही केयरफुली ध्यान पूर्वक इसको रखना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज दे गेट स्पॉइल्ड एंड बिकम यूजलेस, नहीं तो ये स्पॉइल हो जाएंगे और यूजलेस बन जाएंगे, यानी कि किसी भी काम के हमारे नहीं रह जाएंगे। फॉर दिस रीजन, इसी रीजन से वेयर हाउसिंग इज रिकॉग्नाइज एज येट अनदर ऐड टू ट्रेड। वेयर हाउसिंग को रिकॉग्नाइज किया गया है, माना गया है ये भी एक ऐड टू ट्रेड है, यानी कि ये भी हमारे ट्रेड करने में मदद करता है। वेयर हाउसिंग रिफर टू प्रिजर्वेशन ऑफ गुड टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन नीडेड बाय कंज्यूमर। वेयर हाउसिंग को रिफर किया जाता है कि कोई भी गुड्स को प्रिजर्व करना जो कि अवेलेबल कराते जब भी कंज्यूमर को उसकी आवश्यकता हो। दस वेयर हाउसिंग इलिमिनेट द हिंड्रेंस ऑफ टाइम एंड प्रोवाइड टाइम यूटिलिटी टू गुड्स। इसलिए वेयर हाउसिंग जो होता है वो इलिमिनेट करता है जो भी बाधाएं या रुकावट आती है समय की, और प्रोवाइड करता है टाइम यूटिलिटी गुड्स, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है ये देखते हैं। द गुड्स मे बी डिस्ट्रॉयड व्हाइल इन प्रोडक्शन प्रोसेस। गुड्स हो सकता है कि डिस्ट्रॉय हो जाए यानी खराब हो जाए जब भी वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हो, और इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट, और इन स्टोरेज ड्यू टू फायर और थेफ्ट, या फिर ट्रांजिट के दौरान यानी कि जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो उस समय एक्सीडेंट होते हैं, तो उससे भी हो सकता है वो कुछ खराब हो जाए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर स्टोरेज में मान लीजिए कोई आग या चोरी वगैरह हो जाती है तो तब भी खराब हो सकते हैं। द बिजनेस मैन वुड लाइक टू कवर दिस रिस्क। इसलिए बिजनेस मैन जो होते हैं वो इन सब रिस्क को कवर करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कम टू देयर रेस्क्यू इन दिस रिगार्ड। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी इस चीज को में मदद करने के लिए आती है। दे अंडरटेक टू कंपनसेट द लॉस सफर ड्यू टू सच रिस्क। इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां जो होती है वो पूरी मतलब की जिम्मेदारी लेती है कंपनसेट करने के लिए, यानी कि उसका जितने का भी गुड खराब है उतना पैसा देने के लिए जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उनको, ठीक है। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए द बिजनेसमैन हैज टू टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी। बिजनेसमैन को एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ता है एंड पे अ सर्टेन अमाउंट रेगुलरली कॉल्ड प्रीमियम, और उनको पे करना पड़ेगा रेगुलरली एक सर्टेन अमाउंट जिसको प्रीमियम का नाम दिया गया है। दस इंश्योरेंस इलिमिनेट द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। इसलिए इंश्योरेंस इलिमिनेट करता है, खत्म करता है जो भी रिस्क की बाधाएं आती हैं या रुकावटें आती हैं। चौथा हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग। तो आइए देखते हैं एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड इज पॉसिबल ओनली व्हेन द कंज्यूमर हैव द नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। देखिए एक्सचेंज, गुड्स का एक्सचेंज तभी पॉसिबल है जब कंज्यूमर को नॉलेज होगा कि वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है मार्केट में, मतलब कि मिलता है मार्केट में। दिस इज द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ये है नॉलेज का हिंड्रेंस, यानी ज्ञान का बाधा आना। ज्ञान मतलब नहीं है कस्टमर्स को कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी मिलता है मार्केट में। दिस हिंड्रेंस इज इलिमिनेटेड थ्रू एडवर्टाइजिंग। इस हिंड्रेंस को यानी इस बाधा को इलिमिनेट किया जा सकता है, मतलब कि रोका जा सकता है एडवर्टाइजिंग के जरिए। थ्रू एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूसर कम्युनिकेट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर गुड टू द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स एंड क्रिएट इन देम अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बाय द प्रोडक्ट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो यहाँ कंज्यूमर हुआ, ठीक है। तो देखिए एडवर्टाइजिंग के जरिए जो होता है प्रोड्यूसर यानी जो सामान बना रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन बताता है अपने गुड के बारे में, जो भी सामान बना रहा है उसके बारे में, और कंज्यूमर को, ठीक है, कंज्यूमर को सारी बातें बताता है। उसके बाद वो उनको एक तरह से स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा करने की कोशिश करता है ताकि वो लोग जो कंज्यूमर है उनका प्रोडक्ट खरीद ले। आपने एडवर्टाइजिंग टीवी में देखा होगा, तो ये सब इसी एडवर्टाइजिंग का ही पार्ट होता है। जैसे साबुन वगैरह आता है कि इतने ये इसके ये फीचर है, इतना बैक्टीरिया मारता है, ये सब, ठीक है। दस एडवर्टाइजिंग फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बाय ब्रिंगिंग द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। इसलिए जो एडवर्टाइजिंग होती है वो एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि गुड्स का फ्लो बना रहे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, और ये जो है मदद लेते हैं जो भी फीचर होते हैं प्रोडक्ट के, नॉलेज प्रोवाइड करके प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज डन थ्रू टीवी। एडवर्टाइजिंग किया जाता है टीवी में, रेडियो के जरिए, न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन में, होर्डिंग में, वॉल पोस्टर के जरिए, और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर मॉडर्न तरीके बताएं तो यूट्यूब पे भी एडवर्टाइजिंग होता है, उसके अलावा इंटरनेट पे, वेबसाइट वगैरह पे एडवर्टाइजिंग होता है। तो ये सब तरीके हैं एडवर्टाइजिंग करने के। पांचवा हमारा इसमें कैटेगरी था बैंकिंग। तो आइए देखते हैं बैंकिंग क्या होता है। बैंकिंग फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड बाई रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट। तो बैंकिंग जो होता है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी फ्लो ऑफ गुड्स को रिमूव करके जो भी फाइनेंस के अंदर बाधाएं आती हैं, ठीक है, पैसे रिलेटेड जितने भी दिक्कतें आती हैं वो बैंकिंग सब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नाउ अडेज वी कैन नॉट थिंक ऑफ बिजनेस विदाउट बैंक। इस समय में हम
हम लोग बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते बिना बैलेंस के। टू स्टार्ट बिजनेस और टू रन इट स्मूथली वी रिक्वायर मनी। एक बिजनेस को शुरू करने के लिए और उसको चलाने के लिए स्मूथली हमको पैसे की जरूरत होती है। बैंक सप्लाई मनी, बैंक जो होती है पैसे की सप्लाई करती है। बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक बैंक जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन होता है विच एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी, जो की एक्सेप्ट करता है जो भी पैसा उसमें डाला जाएगा उन पैसों को फ्रॉम द पब्लिक से विड्रॉ ऑन डिमांड, जब भी आपकी डिमांड होगी तब वो विड्रॉ करने की सुविधा देता है, और अदरवाइज एंड लेंड द सेम टू दोज हु नीड इट, और वही पैसे को दूसरों को देता है जिसको उस पैसे की जरूरत होती है लोन की तरह। ठीक है, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड मेनी सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस टूडे। बैंक जो होती है और भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो भी बिजनेस करने के लिए जरूरत होती है। लुक एट फिगर 1.34 क्लासिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। फिगर 1.3 देखिए, जिसमें क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन दिखाया गया है कॉमर्स का। तो देखिए यह है फिगर 1.3 आपका, इसमें देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स है। तो देखिए सबसे टॉप पे है कॉमर्स, इसके दो टाइप है, पहला है ट्रेड और दूसरा है ऐड टू ट्रेड। तो देखिए ट्रेड के अंदर आता है इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल ट्रेड का देखते हैं। तो इंटरनल ट्रेड में दो टाइप के होते हैं, पहला है होलसेल ट्रेड और दूसरा है रिटेल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो इसमें आता है एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड और री एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, तो ये इसमें तीन टाइप के एक्सटर्नल ट्रेड होते हैं। उसके बाद ऐड टू ट्रेड के बारे में हम लोग देखें तो इसके पांच प्रकार होते हैं। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, हमने पढ़ा, वेयरहाउसिंग भी पढ़ा, बैंकिंग भी पढ़ा, इंश्योरेंस भी पढ़ा और एडवर्टाइजिंग भी पढ़ा। ठीक है, तो ये आपका फिगर 1.3 है, पूरा इसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। यू हैव लर्न व्हाट इज द बिजनेस एक्टिविटी एंड वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी लाइक इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग। हम लोगों ने सीख लिया है कि बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है और अलग अलग प्रकार के जो बिजनेस एक्टिविटी होते हैं, जैसे कि हो गया इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग इटीसी। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया है। व्हाट एवर बिजनेस एक्टिविटी यू मे टेक टिप, यू हैव टू ब्रिंग टुगेदर वेरियस रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, मशीनरी, रॉ मटेरियल, लेबर, टेक्नीशियन इटीसी। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आप लें, आपको सभी चीजें साथ में लाना पड़ेगा, जैसे कि हो गया अलग अलग रिसोर्सेज, जैसे कि हो गया कैपिटल, मशीनरी लाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, लेबर लाना पड़ेगा, टेक्नीशियन लाना पड़ेगा। ठीक है, मे पेशेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज इज नॉट इनफ, जो अवेलेबिलिटी है इन सारी रिसोर्सेज की वो इनफ नहीं है। सच रिसोर्सेज आर टू बी पुट इन एक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इस तरह के रिसोर्सेज को एक साथ लाना पड़ेगा एक्शन में, एक सिस्टमैटिक वे में, और आपको अचीव करना है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव एक तरह से। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए टेक द केस ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन। टेक्सटाइल प्रोडक्शन का अगर हम लोग उदाहरण ले तो फर्स्ट यू गेट सम लैंड एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। सबसे पहले आपको कुछ लैंड की जरूरत होगी, तो उसमें आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। उसके बाद बाई मशीनरी एंड इंस्टॉल देम इन द बिल्डिंग, हमको मशीनरी बाई करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, उसके बाद उस बिल्डिंग के अंदर उसको लगाना पड़ेगा। एम्प्लॉय लेबर एंड टेक्नीशियन टू वर्क ऑन द मशीनरी, उसके बाद हमको नौकरी देनी होगी लेबर और टेक्नीशियन को काम करने के लिए मशीनरी पे, जो मशीन लगाए हैं उस पे काम करने के लिए। बाई रॉ मटेरियल, कॉटन, डाइस, ईटीसी, हमको रॉ मटेरियल बाई करना पड़ेगा, जैसे हो गया कॉटन या डाइस। एंड प्रोसेस द रॉ मटेरियल इन द फैक्ट्री एंड प्रोड्यूस द क्लॉथ, उसके बाद हमको प्रोसेस करना पड़ेगा रॉ मटेरियल को फैक्ट्री के अंदर, उसके बाद हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं क्लॉथ को, यानी कि कपड़े को। Once cloth is produced, it is to be sold to consumer through wholesale and retail dealer. जब एक बार क्लॉथ को हम लोग प्रोड्यूस कर लेंगे, यानी कपड़े को जो है बना लेंगे, उसके बाद हमको बेचना पड़ेगा इसको कंज्यूमर्स को, या फिर हम लोग होलसेलर की मदद ले सकते हैं या फिर रिटेल डीलर की मदद ले सकते हैं। Thus to produce cloth you have to assemble resources such as, इसलिए क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए हमको असेंबल करना पड़ेगा रिसोर्सेज, जैसे कि फैक्ट्री, कॉटन, डाई, लेबर, होलसेलर, रिटेलर, इटीसी, हमको तो हमको इन सब चीजों को असेंबल करना पड़ेगा। ठीक है, बट सिंपल प्रेजेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज मे नॉट अचीव द पर्पस, वी हैव टू पुट दीज रिसोर्सेज टुगेदर इन एक्शन वेरी सिस्टमैटिकली एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी। लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंस रहे इन सारी रिसोर्सेज को, तो हो सकता है हम लोग अपने बिजनेस का पर्पस ना अचीव कर पाए, इसलिए हमको इन सारे रिसोर्सेज को एक साथ लेना पड़ेगा एक्शन में और एक सिस्टमैटिकली और कोऑर्डिनेट करके सारी एक्टिविटीज करने। Then only it is possible to produce the cloth. तभी पॉसिबल है कि हम लोग क्लॉथ को प्रोड्यूस कर पाए, डिस्ट्रीब्यूट इट टू कंज्यूमर एंड गेट प्रॉफिट, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए कंज्यूमर्स के बीच में और तभी प्रॉफिट कमा पाए। This is true with any business activity. ये सही है हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए।
अ बिजनेस एक्टिविटी बिकम अ रियलिटी ओनली व्हेन एफर्ट आर मेड टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर। एक बिजनेस एक्टिविटी तभी एक रियलिटी बनेगी जब उसके लिए एफर्ट लगाया जाए और एक रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को एक साथ लाया जाए। पुट देम एट वर्क सिस्टमैटिकली, उनको एक साथ में काम करने के लिए सिस्टमैटिकली लगाया जाए एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी प्रॉपरली, उसके बाद उसको कोऑर्डिनेट किया जाए प्रॉपरली। दिस इज रिफर्ड टू एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग रिफर करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इन द ओपिनियन ऑफ JW सुलझे, तो JW सुलझे ने अपना ओपिनियन दिया था कि बिजनेस के बारे में कि बिजनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेसेसरी बीइंग मटेरियल टूल इक्विपमेंट वर्किंग स्पेस एपरेटस एंड फाइनेंस ब्रॉट टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव कोरिलेशन टू एकम्प्लिश सम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस एक कॉम्बिनेशन है नेसेसरी बीइंग का, मटेरियल्स का, टूल्स का, इक्विपमेंट का और वर्किंग स्पेस और फाइनेंस को एक साथ जब लाया जाता है एक सिस्टमैटिक और इफेक्टिव वे में तो हम लोग एकम्प्लिश कर सकते हैं जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। ठीक है,